प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज आपका स्माइल 2.0 का जो होमवर्क आया है, उस होमवर्क को हम आपको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आज का जो ये वर्कशीट है आपकी थोड़ी सी टफ है, तो हम इसको इजी बनाएंगे। इजी कैसे बनाएंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा। तो बच्चों, आज का जो वर्क है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का है। अधिगम बिंदु है हमारा सीखे गए वर्णों से बने शब्दों को स्पष्ट एवं साफ शब्दों में लिख पाना। तो बच्चों, इसमें हम दो तीन चार अक्षरों के शब्दों को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, काउंटिंग यानी गिनती भी लिखी हुई है 12 तक, और अक्षर भी लिखे हुए क ख ग घ भी। ठीक है, तो ये नंबर लगा रखे उन्होंने। जैसे ल है वो पहले नंबर पर आता है, ठीक है, और क है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पे मैं है। तो नीचे हमको नंबर दिए हुए, उन नंबरों में से हमें अक्षरों को ढूंढना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा अक्षर है। तो आप पहला देखो, पहला है ना कल है, कल। तो ये ऊपर आप देखो गिनती में 2 और 1 लिखा है, तो पहले हमें दूसरे नंबर वाला शब्द लिखना है, कै। यहाँ पर लिखा है ना कै, और फिर हमें ऊपर देखो 2 के साथ पहला 1 लिखा हुआ है, तो पहले नंबर वाला अक्षर लिखना है। तो पहले नंबर पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? यहाँ पर क। तो दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा बच्चों कैल कल। अब बच्चों हमें नए अपने आप बनाने हैं, ठीक है। अब हमें पहले देखना है 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर वाला अक्षर कौन सा है? कै। और 1 नंबर वाला कौन सा है? ल। और 3 नंबर पर आप देखो, 3 नंबर के ऊपर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? मैं लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा कै ल मैं कलम। आपको बोलना भी है और लिखना भी है, कै ल मैं कलम। अब बच्चों तीसरे में देखो, तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर है? मैं। तीसरे अक्षर पर मैं, तीसरे नंबर पर मैं अक्षर है। अब चौथे पर देखो आप, तीसरे के बाद चौथा पूछा गया है, तो यहाँ पर है टै। अब दूसरा तो याद ही हो गया आपको, क। ठीक है, अब ये बच्चों बन गया मैं टै के मटक। अब आपको क्या करना है? चौथे नंबर वाला अक्षर ढूंढना है, तो चौथे अक्षर नंबर वाला अक्षर है ट। और पांचवें वाला ऊपर सब लिखा हुआ है बच्चों प, और है दूसरा, दूसरे नंबर वाला हमें तो याद ही हो गया क। ये बन गया बच्चों हमारा टै पै के टपक। अब अगला देखते हैं बच्चों, अब हमें आठवें नंबर वाला अक्षर ढूंढना है। तो आठवें वाला है बच्चों, 8 के ऊपर देखो कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? 8 के ऊपर ए लिखा हुआ है, तो हमें नीचे भी 8 के नीचे ए लिखना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ देखकर अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखते जाइए। तो 8 नंबर है पे है बच्चों अ अक्षर, और तीसरे पे कौन सा था? मैं। ठीक है, और 7वें पे कौन सा था? रे। ये बन गया हमारा एम ए रे अमर। नंबर बच्चों नीचे लिखे हुए, अक्षर बिल्कुल उनके ऊपर लिखे हुए। ठीक है, अब हमें अगले पे देखना है कि पहले नंबर पर कौन सा अक्षर था? ल। और 5वें पे प, और दूसरे पे क। तो ये हमारा कौन सा शब्द बन गया? 3 अक्षरों वाले शब्द बन गए हैं, ल प क लपक। अब बच्चों अगला देखते हैं, अब तीसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है? मैं। मुझे तो बच्चों अच्छी तरह से याद भी हो गए दूसरे और तीसरे नंबर वाले। अब चौथे पे कौन सा है? ट। और 7वें पे र। अब बन गया हमारा मैटर है मटर। अब बच्चों आ जाओ 10वें नंबर पर, नीचे लास्ट यहाँ पर 10वें के ऊपर है बच्चों स, और बिल्कुल साथ 11वें नंबर पर है बे। तो क्या बन गया? ये 2 अक्षरों के शब्द बन गए हैं, स बे सब। है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार हो गया ना, इजी। अब 12वें नंबर पर कौन सा है? आ। और तीसरे पे है बच्चों म। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है बच्चों इस तरह से काम करने में। चलो बच्चों पहले अक्षर वाला देखते हैं, ले। और दूसरे चौथे पे है बच्चों ट, और दूसरे वाला क, और 9वें वाला है बच्चों ने। अब बन गया बच्चों ले टै कै न लटकन। ठीक है, अब चलो 8वें नंबर पर चलते हैं, तो है ए। और तीसरे पे था बच्चों मैं, और 9वें पे था ने। ये बन गया हमारा ए मैंने अमन। अब 8वें पे है बच्चों ए, ए अक्षर है ना, और दूसरे का क।
और 11वें पे ब, 7वें पे है बच्चों र। ये हमारा बन गया अकबर, चार अक्षरों के शब्द बन गए। तो बच्चों इसमें हमने दो अक्षरों के भी शब्द बनाए हैं, तीन अक्षरों के भी बनाए और चार अक्षरों के भी। तो आपको स्टार्टिंग में टफ लग रही हो, लेकिन कितनी मजेदारी वर्कशीट आपकी, मजा आया ना आज आपको होमवर्क करके। तो फटाफट अपने काम करके अपनी टीचर को फटाफट दिखा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बच्चों आपकी जो बुक के जो चैप्टर है वो भी हमने करवा रखे हैं, उनकी भी वीडियो बना रखी है, ठीक है बच्चों। तो आप वो बुक भी पढ़ लीजिएगा हमारी वीडियो देखकर। थैंक यू।